नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे आपके जन्म वार की, यानी कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन जो आपका वार पड़ता है। जैसे कि आज अगर कोई भी बच्चा पैदा होता तो उसका जो वार है वो शनिवार है, अगली सुबह तक, यानी जो आज सुबह से लेकर कल सुबह तक जो बच्चे पैदा होंगे उनका जन्म का वार शनिवार होगा। तो आप जिस दिन भी पैदा हुए हैं उसका जो वार ले लीजिए, और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का वार माना जाता है। इंग्लिश कैलेंडर्स के हिसाब से मत चलिए कि जो रात के 12 बजे जो है कि वो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ ही चेंज हो जाती है या हमारा वार चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं। हमारा हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलेगा, वैदिक के हिसाब से चलेगा कि आपका जो वार है तो आपका जो वार पति है एक तो छठे भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए, एक आठवें भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। क्योंकि छठे और आठवें भाव का जो स्वामी अगर आपका वार पति बन जाता है तो वो आपको अपनी दशा अंतरदशा के अंदर शारीरिक पीड़ा देता है, बीमारियां देता है, कष्ट देता है, अगर 6-8 का स्वामी। अगर तो आपका जो है कि वारपति अगर छठे और आठवें भाव में बैठता है तो भी सेम कंडीशन है। उसके साथ ही साथ जो है कि जिस घर का वो मालिक होगा वो भी कमजोर हो। जैसे कि मान लीजिए आपका फोर्थ लॉर्ड है वारपति, अब वार आप मान लीजिए जैसे बुधवार को पैदा हुए हैं, वो वारपति आपका बुध हो गया, लेकिन बुध जो है कि आपके छठे भाव में बैठा हुआ है और दूसरे भाव का स्वामी है, छठे भाव में बैठा है और दूसरे भाव का स्वामी है, तो आपको जो है कि पैसे जोड़ने में दिक्कत आने वाली है, फैमिली से आपको प्रॉब्लम रहने वाली है, कुटुंब से। सेकेंड आपके जो कारकत्व है वो उसके अंदर जो है उसके फल देने में वो वारपति आपका कमजोर हो जाए। इसी प्रकार से अगर आपका वारपति उच्च का है या उच्च के ग्रह के साथ है तो बहुत बढ़िया कंडीशन है। अगर आपका वारपति जो है कि स्वग्रही है, मित्र राशि का है तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका वारपति जो है कि खराब स्थिति के अंदर है, यानी कि नीच का है या शत्रु राशि के अंदर है, तो ये जो है कि खराब स्थिति है इसमें वो अपने पूरे फल आपकी दशा दशा में आपको नुकसान करेगा। वो खासकर जिस भाव में आपका वो जो वारपति है नीच का होकर बैठा हो उस घर के रिजल्ट को खराब कर। साथ ही साथ अगर वो नीच का है तो जहां का वो मालिक है वहां के रिजल्ट भी आपको पता कमजोर रहेंगे, उसके उस घर को संभालने की शक्ति उसके अंदर कम हो जाएगी। तो ये आपको समझना है। अब जो है कि दो चार जो एक ही दिन जन्म हुआ है जिनका, सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर के अंदर दोनों का जन्म हुआ, कहते हैं ना कि भाई एक दिन जन्म हुआ लेकिन अलग अलग टाइम पे हुआ तो किस्मत तो अलग अलग होगी, लेकिन एक दिन जन्म हुआ है 12 घंटे के अंतराल के अंदर, और एक का जन्म जो है कि यूएसए के अंदर हुआ है और एक का जन्म चेन्नई इंडिया के अंदर, लेकिन स्टेटस का फर्क कुंडली के हिसाब से अलग हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला, स्टेटस और मनी ये चीज मिलती है, उस चीज को आप नोट करना, यदि कि बराबर मिलेगा लेकिन वो कुंडली के पूरे जो ग्रह बैठे हुए हैं। हालांकि जिस दिन इनका जन्म हुआ 28 अक्टूबर 1955 को दो हस्तियां हस्तियों का जन्म होता है, एक का अमेरिका में होता है जिनका बिल गेट्स, और जो है कि एक का जो है कि हिंदुस्तान के अंदर होता है इंदिरा नूरी। और जो कि दोनों के स्टेटस अपनी अपनी जगह पे, जैसे कि आप बिल गेट्स को सभी जानते हैं ये सबसे रिच पर्सन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो वारपति शुक्र है और वो शुक्र जो है कि स्वग्रही होके उच्च के शनि के साथ बैठा हुआ है। स्वग्रही है, स्वग्रही है, पहले ही मजबूत हो गया, उच्च के शनि के साथ बैठ गया। हालांकि यहाँ पर जो कि सूर्य नीच का है लेकिन जो है कि वो शुक्र के साथ ही है जो वहां का राशिपति है, तो ये निजभंग राजयोग बना के बैठा हुआ है। तो इसमें से जो है कि आप कह सकते हो कि पराक्रम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी जो है कि, और जो है कि आपका नवम भाव का स्वामी, साथ में अष्टम भाव भी, और अष्टम भाव जो है पैसे के लिए दिक्कत नहीं देता क्योंकि तो अष्टम भाव फन पर भाव के अंदर आता है, जो कि आपके 2, 5, 8, 11 ये फन पर भाव है जो पैसा देने वाले भाव बोले गए हैं। जो गुप्त धन है वो 8वां भाव है, अचानक मिलने वाला धन 8वां भाव है, तो ये खराब स्थिति नहीं है, धन की स्थिति। 8वें का लॉर्ड जो है वो पीड़ा देता है क्योंकि वो पीड़ा का भाव भी है, लेकिन आपका जो है फन पर भाव भी है जो जो पैसों के लिए जाना जाता है, 2, 5, 8, 11। तो यहाँ पर आप स्थिति देखेंगे कि इनका जो वारपति है बहुत ही अच्छी स्थिति में एक त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, सबसे बढ़िया स्थिति, और उसके साथ साथ त्रिकोण के मालिक के साथ है, पराक्रम भाव के स्वामी के साथ है,
तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। और साथ ही साथ नवम भाव का स्वामी भी बैठा हुआ है, यानी इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि तीन जो वारपति है वो दो त्रिकोण के मालिकों के साथ बैठा हुआ है, शनि और शुक्र, और जो है कि शुक्र खुद जो है कि वारपति। ठीक है जी, ये हो गया हमारा बिल गेट्स का चार्ट हो गया। अब इंदिरा नूरी पे आते हैं। इंदिरा नूरी जी जो है चेन्नई में पैदा हुई है, लेकिन ये जो है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की सीईओ रह चुकी हैं, कोक कोला की सीईओ शायद अभी पीछे तक तो थी, अब पता नहीं है मेरे को, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रिच बिल गेट्स के मुकाबले में नहीं है, लेकिन पैसा बहुत मिला, मान सम्मान मिला, एक अच्छी बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होकर अच्छी पहुंच पे, यानी कि एक बहुत बड़ी नामी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ का पद संभाला हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि वारपति का मजबूत होना, यानी कि अच्छी कंडीशंस के होना, उच्च का होना, स्वग्रही होना, या स्वग्रही या उच्च के जो है कि ग्रह के साथ होना, नवम पंचम के ग्रह के साथ होना बहुत ही अच्छी स्थिति मान जाती है। इसके अंदर सिर्फ आपको यह ध्यान रखना कि आपका वारपति छठे या आठवें भाव का स्वामी, या छठे या आठवें भाव में ना बैठा हो। इसमें 12वां भाव के अंदर अगर वो बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो है कि ये नहीं है कि वो खराब स्थिति है, ऐसा व्यक्ति बाहर जाके काम कर सकता है, या ऐसे व्यक्ति जो है कि के पास पैसे नहीं जुड़ सकते, बस ये होगा कि पैसे वाला होगा, नाम होगा, नाम वो देगा, लेकिन दिक्कत सिर्फ यही है कि पैसा जोड़ नहीं पाएंगे, या पैसा रुकेगा नहीं, या वो तो जो है कि उनको ये नो डाउट हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन उतना बुरा नहीं है जितना छठे और आठवें के अंदर जो है कि वारपथ आपका बुरा है या उसका स्वामी बनता है तो बुरा है। अगर स्वामी बनता है फिर तो उसकी दशा अंतरदशा के अंदर आपका जो है कि परेशानियां रहेंगी रहेंगी, लेकिन अच्छी कंडीशन में है तो बहुत अच्छी स्थिति। तो अपने अपने चार्ट को खोलिए, उसके अंदर अपने वारपति को लीजिए और वारपति को देखिए कि वो कहाँ बैठा है, छठे आठवें में तो नहीं है, छठे आठवें का स्वामी तो नहीं है, और फिर जो है कि उसको देखिए कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो अपने मित्र राशि में है, मित्र के साथ है, शत्रु राशि में है, शत्रु के साथ है, नीच का तो नहीं है, उच्च का है, तो अगर जैसा भी है उसके बाद आपको अपने चार्ट की जो स्टेटस की और पैसों की जो कैपेबिलिटी है आपके चार्ट के अंदर वो आपको मालूम चल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आएगा, और जो है कि अगले वीडियो तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।